नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत ही दुखद न्यूज टर्की और सीरिया से निकल के आई है। आपने सुनी लिया होगा, जबरदस्त अर्थक्वेक आए हैं, 3 अर्थक्वेक आए हैं वन आफ्टर द अदर। 3800 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर आने में अभी और समय लगने वाला है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी डिमांड किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करती है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट वैरियर INS विक्रांत के ऊपर लैंडिंग हुई है नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, ठीक है ना। तो ये पहला एरोप्लेन है नेवल LCA जो कि विक्रांत के ऊपर टच डाउन करता है। MiG-29K ने भी यहां पर टच डाउन किया है। किस प्रकार से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर इन फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट होगी, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं देखेंगे। कैसे इंडिया कतर के साथ अपने बायलेटरल रिलेशंस को बढ़ा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। ओवरऑल शर्म अल शेख इजिप्ट में जो COP 27 है उसके रिस्पेक्ट में क्या अपडेट्स हैं, बस उसकी बात यहाँ पे की गई है। उसके साथ साथ एडिटोरियल्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एडोलेसेंट इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे। जम्मू की विलेज डिफेंस कमिटी और उसकी गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से बिजली को लेके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पॉलिटिक्स हो रही है कर्नाटका में, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बैलून रो को लेके कैसे US के चाइना के रिश्ते और खराब हो रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स को लेके सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को लेके एक छोटा सा आर्टिकल, इसको देखेंगे। डिमांड फॉर मनरेगा वर्क इज अनमेट, देखिए मनरेगा के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन रिपीटेड है तो अलग से यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो 5 एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको कोई एड्रेस कर रहा है एप्रिशिएटिव वर्ड्स में, मतलब प्राइमरी फेसी तो वो आपको तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, बट उस तारीफ के अंदर भी वो आपकी इंसल्ट कर रहा है। तो सेइंग समथिंग इंसल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एप्रिशिएटिव वर्ड्स, मतलब वैसे तो आपकी तारीफ कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है आपको, बट एक्चुअली में वो आपकी इंसल्ट रही है। जैसे कि कोई पढ़ाई के फील्ड में आपको बोल दे कि भाई तुम तो बहुत तेज हो, इस एग्जाम में बैठे तो टॉप ही कर जाओगे, और पता चला आपने एक्चुअली में पिछले साल दिया था और आप फेल हो गए हो, तो क्या हो गया कि एक प्रकार से अप्रिशिएटिव वर्ड्स में आपकी तारीफ कर रहा था वो, बट एक्चुअली में आपकी अंदर से इंसल्ट हो रही थी, आपकी बुराई हो रही थी, तो आप इसको बोलते हो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, पहली न्यूज GS Paper 3 डिजास्टर ज्योग्राफी। तो भैया टर्की और सीरिया में मेजर अर्थक्वेक आया है 6 फरवरी को, 3800 से ज्यादा लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल रबल की तरह जो हजारों की तादाद में बिल्डिंगें थी वो गिरने लगी यहाँ पे। जो रेस्क्यूअर्स हैं एकदम से आप कह लो इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिमूवल मटेरियल होता है वो पहुंच नहीं पाया, मशीनें पहुंच नहीं पाई, तो लोग अपने हाथों से पत्थर हटा के सर्वाइवर्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप देखो तो 5606 बिल्डिंगें जो कि टर्की में खड़ी थी वो रबल में बदल गई, कोलैप्स कर गई एकदम से। सीरिया के अंदर भी बहुत से कोलैप्सेस हुए, हालांकि सीरिया चूंकि वॉर हिट कंट्री है तो एग्जैक्टली नंबर डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया सीरिया के अंदर। सीरिया में एक शहर है एलेप्पो, एलेप्पो एक बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी नुकसान पहुंचा है, लोगों की मौत तो देखो हुई है। और एलेप्पो सीरिया के अंदर एक ऐसा शहर है जो कि कॉमर्शियल हब हुआ करता था, लेकिन जब सीरिया में सिविल वॉर छिड़ा तो बहुत सारी लड़ाई एलेप्पो में भी हुई, क्योंकि एलेप्पो क्या था कि भाई रेबल्स के हाथ में था, तो रेबल्स और सरकार के बीच में जब लड़ाई हुई तो एलेप्पो वैसे भी तबाह हो चुका था, और यहाँ पर अर्थक्वेक के बाद और तबाही हुई। एलेप्पो को बोला जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज इन बोस्टिंग मार्केट्स मॉक्स कैरेवनसराइज पब्लिक बाथ, मतलब अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन शहर एलेप्पो, बट वॉर और अर्थक्वेक के चलते बिल्कुल तबाह सा हो गया है, सुन के काफी दुख होता है। पहला जो अर्थक्वेक आया मंडे को वो सुबह 4:17 पे आया, और इसका जो फोकल पॉइंट था एपी सेंटर था वो था 18 किलोमीटर नियर द टर्किश सिटी ऑफ गाजियांटेप, और गाजियांटेप में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टर्की में इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो टर्की पड़ता है 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के क्रॉस सेक्शन पे। टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर आप बात करो तो ये जो हरे रंग के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस प्लेट की बात करो, ये है आपकी एनाटोलियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट्यू पे पूरा का पूरा टर्की बसा हुआ है, और एनाटोलियन प्लेट ये आपको नजर आ रही है। उसके नीचे यहां पे आपको नजर आ रही है अफ्रीकन प्लेट, इधर आपको नजर आ रही है अरेबियन प्लेट, और ऊपर की तरफ है आपकी यूरोपियन प्लेट।
अब ये प्लेट मतलब यहां पे अर्थ क्रस्ट टूटी हुई है, जहां जहां से ग्रीन रंग की लाइन निकल रही है ना, वहां वहां पे अर्थ क्रस्ट टूटी हुई है। अब चूंकि अर्थ क्रस्ट टूटी हुई है तो अर्थ के क्रस्ट के अलग अलग टुकड़े आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। अब देखिए अर्थ को एक रोज नहीं आता है दोस्तों, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो जहां पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के पास आपको एलेटोलियन प्लेट भी नजर आ रही है, थोड़ा अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा भी नजर आ रहा है, अरेबियन प्लेट का हिस्सा भी नजर आ रहा है। तीनों हिस्से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बट टूटे। अब जोड़ने के बाद एक समय पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे एक्युमुलेट हो जाएगी, इतनी एनर्जी एक्युमुलेट हो जाएगी कि जिस सामंजस्य में तीन टुकड़े एक दूसरे के साथ सेटअप थे वो सामंजस्य थोड़ा पलटेगा, थोड़ा रगड़न आएगी यहां पे और एकदम से बड़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज होगी और उसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट होगा अगर पृथ्वी है तो, और अगर पानी है ऊपर तो ओशन के अंदर सुनामी जनरेट होगी। तो ये जो लैंड मासेस हैं चूंकि ये लगातार मूव कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर बंप कर रहे हैं, चूंकि यहां पे देखो इलेक्टोरियल प्रोटो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, अरेबियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अफ्रीकन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एक प्लेट ऐसे मूव कर रही है, नीचे से दो प्लेटें ऐसे मार रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एनर्जी का बिल्डअप तो हो गई, क्योंकि ये अर्थ के जो क्रस्ट के मासेस हैं ये स्टेबल नहीं है, लगातार लड़ते से रहते हैं, तो उसके चलते मूवमेंट होती है, एनर्जी बिल्डअप होती है और एकदम से जब रगड़ाओ एक मूवमेंट में बदलेगा, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज होंगी और खतरनाक अर्थ को एक आएंगे जैसे अभी के लिए टर्की और सीरिया में आया है। यही यहां पर लिखा हुआ है, as the plates are forced up against and under each other, two plates can get stuck due to friction. When these plates finally get unstuck as a result of built-up pressure, they release a huge amount of energy that is felt in the form of earthquake or tsunami when tectonic plates converge under water. So, पानी के नीचे सुनामी और अर्थ पे आपका earthquake. ठीक है भाई, वैसे तो पानी अर्थ ही है, मतलब जमीन के ऊपर earthquake और पानी के नीचे सुनामी, बस ये बता रहा हूं। ठीक है भाई, अब देखिए दिसंबर 1939 में टर्की में एक ऐसा ही अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, ईस्टर्न तुर्की के एर्जिनकान शहर में 30,000 लोगों की उस समय पे मृत्यु हो गई। तब उस समय पे तो अर्थक्वेक के बारे में उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, लोग तैयार भी नहीं थे, तो मृत्यु ज्यादा लोगों की हुई। उसके बाद देखें तो टर्की में अगस्त 1999 में अर्थक्वेक आया 7.4 मैग्नीट्यूड का, इज़मीत नाम के शहर में जो कि मरमरा रीजन में वेस्टर्न टर्की में आता है। 17,000 लोग से ज्यादा मारे गए थे, 43,000 लोग इंजर्ड हुए थे। टर्की की जो डिजास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी अफाड, उसने बोला है कि 2022 में टर्की में 22,000 अर्थक्वेक्स रिपोर्ट हुए हैं। अब सारे के सारे उतने खतरनाक नहीं थे, बट इससे आपको पता चलेगा कि टर्की इज हैविली अर्थक्वेक प्रोन। और 2023 का ये जो अर्थक्वेक आया टर्की में, इससे पहले जो सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आया था वो कब आया था, वो आया था 1999 में, वो 7.4 मैग्नीट्यूड का था, और इस बार जो पहला आया था वो 7.8 मैग्नीट्यूड का था, अपने आप में काफी खतरनाक। फिर आगे चलते हैं, जीएसपी पर थ्री एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ऑफर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पीएम मोदी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पीएम मोदी साहब, तो इनका ये बोलना है कि इंडिया की एनर्जी डिमांड आगे आने वाले समय में बढ़ेगी, मतलब इंडिया जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसकी डिमांड ओवरऑल, उसका क्वांटम ज्यादा मांगा जाएगा इंडिया के अंदर। अभी के लिए अगर आप देखो तो ग्लोबली एनर्जी की जितनी भी डिमांड है उसकी 5% इंडिया से आती है, आगे आने वाले समय में ये प्रतिशत बढ़ जाएगा 11% पे, ऐसा मोदी जी ने बोला है जब बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 वो इनॉग्रेट कर रहे थे। क्या बोला उन्होंने, डिमांड फॉर एनर्जी इन द कंट्री हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली, दिस ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी कंपनीज टू इन्वेस्ट इन एंड कोलैबोरेट विद एनर्जी फर्म्स इन द कंट्री। फिर यहां पे मोदी जी क्या कह रहे हैं कि भाई एनर्जी सेक्टर ने एक मेजर रोल प्ले किया है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड को डिसाइड करने के लिए 21वीं शताब्दी में। आज की डेट में अगर आप देखो तो पहले भी और आज भी और आगे भी आने वाले समय में इंडिया विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस इन डेवलपिंग न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, और हमारा एनर्जी ट्रांजिशन रेन्यूएबल पावर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है ना भाई, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है इंडिया की, इस एस्पिरेशनल पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो इंडिया के अंदर एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। अब उसी के लिए इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी डेवलप कर रहा है, इसके लिए 1,00,000 करोड़ इंडिया के द्वारा सेट असाइड किया गया। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करेगी ग्रे हाइड्रोजन को। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस मीथेन वगैरह से बनाई जाती है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन को यूज करके यहां पे पॉल्यूशन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली व्हेन कंपेयर्ड टू ग्रे हाइड्रोजन, तो ग्रे हाइड्रोजन की बजाय हम ग्रीन हाइड्रोजन लेके जाएंगे। फिर मोदी जी बोल रहे हैं
कि इंडिया के अंदर सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, बायोफ्यूल, इथेनॉल, सोलर और जो दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज हैं इनको धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन इंडिया के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स फॉर डीकार्बोनाइजेशन इनका प्रयोग इंडिया के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। 2014 में इंडिया के अंदर जो गैस पाइपलाइंस थी इसकी टोटल लेंथ थी 14,000 किलोमीटर, अब ये टोटल लेंथ 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है और आने वाले 4 से 5 सालों में ये टोटल लेंथ 35,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। तो गैस, नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहां पे सरकार बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही है। जैसे आप यूरोप में जाओगे ना तो यूरोप के घरों में बहुत आम बात है कि गैस के कनेक्शन आए हुए होते हैं, बट इंडिया के घरों में आम बात नहीं है। बट इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में आप देखोगे कि घरों के अंदर गैस कनेक्शन पहुंच रहे हैं। जल्दी ही आने वाले सालों में एक ऐसा समय आएगा कि आपको रेगुलरली अपने एलपीजी के सिलेंडर्स फिलअप नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि गैस का कनेक्शन आपके घर के अंदर ही आ जाएगा। तो भाई कंट्री का जो एनर्जी लैंडस्केप है इसमें रीसेंट ईयर्स में जबरदस्त शिफ्ट्स हुए हैं और इन्हीं शिफ्ट्स को अकोमोडेट करने के लिए लो कार्बन ऑप्शन इंक्लूडिंग बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत तेजी से सरकार प्रमोट कर रही है। और अपने क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को इंडिया को मीट करना है तो इस प्रकार की लो कार्बन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इंडिया एनर्जी वीक 2023 ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस समय पे इंडिया अपने अचीवमेंट्स बता रहा है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी इवेंट है। ओवरऑल एनर्जी में एंटायर वैल्यू चेन में इन्वॉल्व जितने भी प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया भर के वो यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर मोमेंट को कैपिटलाइज करके दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाया कि आओ और इंडिया के एनर्जी सेक्टर में, इंडिया की एनर्जी फर्म्स में इन्वेस्ट करो, आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे और इसके थ्रू आप इंडिया का सस्टेनेबल ट्रांजिशन में भी मदद करोगे। नेक्स्ट, नेवल LCA GS पेपर 3 डिसेस लैंड्स ऑन विक्रांत। अब यहां पे देखो एक हवाई जहाज आपको एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड होता नजर आ रहा है। नॉर्मल कर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देखें दोस्तों तो यहां पे इस प्रकार का दिखता है। नीचे आपको फोटो नजर आ रही है, ठीक है ना। यहां पे उड़ने के लिए भी एयर स्ट्रिप लगा रखी है, लैंड करने के लिए भी यहां पे एयर स्ट्रिप आपके लिए लगा रखी है। एक एक करके देखते हैं। जो नेवल वेरियंट है इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, इसने पहली बार लैंडिंग की है कंट्री के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट LCA लैंड कर रहा है किसके ऊपर? INS विक्रांत के ऊपर। आप बोलोगे सर ये न्यूज इतने सिग्निफिकेंस की क्यों है? सिग्निफिकेंस की दोस्तों इसलिए है क्योंकि देखिए कमीशन तो हो चुका है INS विक्रांत इंडियन नेवी में, बट इसके एयर ट्रायल्स अभी जारी हैं। तो ओवरऑल एयरप्लेन, चूंकि जब एक्टिव ऑपरेशन में आपका समुंदर में डीप सी में तैर रहा होगा विक्रांत, तो उस समय पर हम आपके लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए तो देखिए प्रैक्टिस चालू है, एक प्रकार के ट्रायल्स चालू हैं। तो ट्रायल्स के अंदर सारे ऑपरेशनल मोड्स को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो कौन कौन से फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, लैंड करने के बाद कितनी देर उनको ड्रिफ्ट करना पड़ेगा, अरेस्टर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एक ट्विन इंजन MiG-29 के फाइटर जेट ने भी यहाँ पे लैंडिंग की और टेक ऑफ किया। तो इंडिया के पास कैपेबिलिटी है टू डिजाइन, डेवलप, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट ISE विद इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट। मतलब हम अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकते हैं और उस पर लैंड होने वाला अपना खुद का फाइटर जेट भी बना सकते हैं। ये इंडिया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जनवरी 2020 में DRDO ने पहली बार सक्सेसफुल अरेस्टेड लैंडिंग कराई थी नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की INS विक्रमादित्य के ऊपर, विक्रांत के ऊपर नहीं, विक्रमादित्य के ऊपर। तो 2020 में अरेस्टेड लैंडिंग ऑलरेडी विक्रमादित्य के ऊपर हम करा चुके हैं। उसके बाद 18 ऐसी टेक ऑफ लैंडिंग हुई थी 5 दिनों में। अब आप बोलोगे सर ये नई बात आपने बता दी अरेस्टेड लैंडिंग, तो देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ज्यादातर अरेस्टेड लैंडिंग ही होती है। अगर आपको अरेस्टेड लैंडिंग को और प्रॉपर तरीके से समझना है तो एक मूवी मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा Amazon Prime के ऊपर, टॉप गन 2 मैवरिक करके एक मूवी आई है इस समय पे टॉम क्रूज की। तो उसमें आपको अरेस्टेड लैंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या होता है कि ओवरऑल इन पर्टिकुलर फाइटर जेट्स को लैंड करते समय बहुत ज्यादा लीवे नहीं मिलता है। जब आप देखो अरेस्टेड लैंडिंग क्या होती है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी स्पीड में आके ये एयरक्राफ्ट लैंड करता है। अब उसके पास स्पेस बहुत कम है, अगर वो इधर से लैंड कर रहा है तो यहां तक उसको लैंड कर रुक जाना है, नहीं तो वो नीचे पानी में गिर जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि यहां पे एक अरेस्टिंग गियर होता है। ये अरेस्टिंग गियर एक प्रकार का मैकेनिकल सिस्टम होता है जो कि ओवरऑल उतरने वाले एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम कर देता है। आपको यहां पे एक रस्सी नजर आ रही है इस ऊपर फोटो में, सेकंड फोटो की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की तरफ एक रस्सी आपको नजर आ रही है। ये जो पर्टिकुलर रस्सी है ना,
ये उतरने वाले एयरक्राफ्ट के पहियों में फंस जाती है और उन एयरक्राफ्ट को डिसेलरेट करती है, उसकी स्पीड को यहां पे कम करती है। तो ओवरऑल इस मैकेनिज्म को आप बोलते हैं स्टोबार, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। शॉर्ट टेक ऑफ में क्या है, तो भैया टेक ऑफ बहुत शॉर्ट है, इसीलिए आप देखो तो इस प्रकार का एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। इस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके वो जो एयरक्राफ्ट है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो इसको आप बोलते हो शॉर्ट टेक ऑफ। बट अरेस्टेड रिकवरी, अरेस्टेड रिकवरी मतलब जब वो एयरक्राफ्ट उतरेगा तो उतरते के समय पे उसके पहियों के नीचे के जो हैंडल्स हैं उसमें इस प्रकार की रस्सी जाके फंस जाएगी और वो रस्सी डिसेलरेट करने में मदद करेगी एयरक्राफ्ट को, वो एयरक्राफ्ट जल्दी रुक जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टोबार का। नेवी का प्लान यहां पे ये भी है कि हम एक TEDBF बनाए, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। बेसिकली अगर आप देखो ट्विन इंजन, फिर से मैं आपको टॉप गन मूवी का रेफरेंस दूंगा। टॉप गन मूवी में आप देखोगे कि जब वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है उसके पीछे दो इंजन लगे होते हैं। हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना है तेजस, वो सिंगल इंजन है, पीछे एक ही इंजन लगा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स और F-18, F-31, ये इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में आप देखो MiG-29, सुखो, इसमें दो इंजन होते हैं पीछे। तो दो इंजन हमेशा बेटर होते हैं, मान लो एक इंजन काम नहीं कर रहा तो दूसरा इंजन काम करता रहता है। तो अपने आप में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टर्डीनेस, स्पीड, ओवरऑल एफिशिएंसी, पावर, ये सब रहती है। तो इसीलिए हमारे विक्रांत पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम करने के लिए अगर इंडिया अपना खुद का एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर बना ले तो अपने आप में ओवरऑल ये इंडिया के लिए एक बड़ी जीत होगी। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इसका डिस्प्लेसिंग वेट है 42,800 टन्स। पिछले साल सितंबर में इसको नेवी में कमीशन किया गया था, एविएशन ट्रायल्स इसके चल रहे हैं और इसी ट्रायल्स के तहत आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सब आपके LCA वगैरह और MiG-29 लैंड और टेक ऑफ कराए जा रहे हैं। ओवरऑल INS विक्रांत के अंदर 4 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हुए हैं बड़े बड़े। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड स्टोबार को ये इस्तेमाल करता है। स्किप स्काई जंप है इसके लिए, लॉन्च करने के लिए स्काई जंप, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं स्काई जंप। और क्या नाम से अरेस्टेड रिकवरी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, ठीक है भाई। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो एग्जिस्टिंग MiG-29 है के हैं सर्विस में, इनको इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे डिप्लॉय किया जाएगा। आगे आने वाले समय में और एडवांस फाइटर जैसे बोइंग FA-18, फिर EF सुपर हॉर्नेट, डसॉल्ट एविएशन रफाल, इनको भी डिप्लॉय किया जा सकता है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। 45 MiG-29 के हम रशिया से और खरीद रहे हैं INS विक्रमादित्य और बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे डिप्लॉय करने के लिए। तो ये कुछ ओवरऑल चीजें हैं दोस्तों। वैसे तो देखा जाए तो 200 मीटर से कम में अगर आपको किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को स्काई बॉर्न करना है तो आपको स्काई जंप रैम की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने पहले फोटो में दिखाया। और नॉर्मल कर जब एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो रुकने के लिए 1000 मीटर का तो रनवे चाहिए ही चाहिए, बट यहां से 100 मीटर से कम का रनवे है तो इसी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अरेस्टेड रिकवरी, ठीक है, अरेस्टेड लैंडिंग, सॉरी। चलिए अगली न्यूज पर जाते हैं, जिस पेपर 2 बायलेटरल रिलेशंस, इंडिया स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल रिलेशंस विद कतर। तो भैया सर्बानंद सोनोवाल साहब हमारे यूनियन मिनिस्ट्री पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के, इन्होंने डिस्कस किया बहुत सारी पॉलिसीज प्रोग्राम्स किसके साथ, ओवरऑल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ कतर मिस्टर जाशिम सैफ मोहम्मद अल सुलैती के साथ नई दिल्ली में। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। इंडिया और कतर बहुत से डाइवर्स सेक्टर में एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं, एक एक्सीलेंट फ्रेमवर्क बन रहा है यहाँ पे। हिस्टोरिकल क्लोज टाइज की वजह से रेगुलर और सब्सटेंसिव इंगेजमेंट हो रहा है और ये जो लार्ज डाइवर्स अकॉम्प्लिश्ड और हाईली रिकॉर्डेड इंडियन मॉडल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ये इंडिया के कतर के साथ रिलेशंस को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो जो डिस्कशंस हुए बहुत फ्रूटफुल थे, कैसे बायलेटरल मैरिटाइम कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाएगा, इंडियन पोर्ट्स और कतरी पोर्ट्स के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाया जाएगा इन द फील्ड ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन वगैरह वगैरह। कतर की बात की जाए तो कतर बहुत सी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स। वहीं पर इंडिया कतर को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड अदर मशीनरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, केमिकल, प्रीशियस स्टोन्स, रबर वगैरह वगैरह। इंडिया के कतर के साथ बायलेटरल ट्रेड का क्वांटम था 2021-22 में $15.03 बिलियन, जिसमें अगर देखें तो इंडिया ने कतर को एक्सपोर्ट किया है $1.83 बिलियन और कतर ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है
13.19 डॉलर। ऑब्वियसली बात है कतर का एक्सपोर्ट इंडिया में ज्यादा है, रीजन बीइंग कतर हमें ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है और इंडिया बड़े क्वांटम में और ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहां से कतर से आने वाला जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर वो हमें ज्यादा नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो कतर का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चौथे नंबर का वो इंडिया है और कतर जिस कंट्री से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। वैसे देखा जाए तो कतर बहुत छोटी सी कंट्री है। 2023 मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर। यहाँ पे कतर नजर आ रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर लगाता है, पर्शियन गल्फ में कंट्री सिचुएटेड है, ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ पे बहरीन नजर आ रहा है और यूएई दुबई वगैरह इससे ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट भाई जीएस पेपर 3 एलएनजी, इंडियाज नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टैंड्स एट दिस। देखिए क्या हो रहा है भैया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब ने बोला है कि 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि वो हर साल $100 बिलियन देंगे 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन के रिस्पेक्ट में रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। यहां पे बातचीत हो रही है एक्चुअली में शर्म अल शेख इंप्लीमेंटेशन प्लान की। नवंबर 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुआ था, वहां पे शर्म अल शेख प्लान को अडॉप्ट किया गया। इस पर्टिकुलर प्लान में यह बोला गया और बहुत सीरियसली इस बात का नोट लिया गया कि जब 2009 में इन डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि सालाना $100 बिलियन देंगे 2020 तक डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के लिए, तो ये पैसा आया क्यों नहीं है। और इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन प्लान ने अर्ज किया डेवलप्ड कंट्रीज को, भाई आप ये पैसा दो, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे पैसे आ रहे हैं बट उतने आ नहीं रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज जो उधार पे पैसा देती हैं उसको भी इसी $100 बिलियन में गिन लेती हैं। इंडिया ने बोला है कि हमने जो भी क्लाइमेट एक्शन लिए हैं वो डोमेस्टिक सोर्सेज की फंडिंग के थ्रू लिए हैं, गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट से लिए हैं, मार्केट मैकेनिज्म से लिए हैं, फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स और पॉलिसी इंटरवेंशन से लिए हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से पैसा आया नहीं है। इंडिया की तीसरी बाईएनियल अपडेट रिपोर्ट आई UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। 2014 से लेकर 2019 के टाइम पीरियड में GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने केवल $165.25 मिलियन की ग्रांट दी है इंडिया को। पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने अपने अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को सबमिट किया, मतलब हम अपने क्लाइमेट एक्शन में क्या क्या स्पेसिफिकली कर रहे हैं। तो जो इंडिया ने अपडेटेड टारगेट्स यहां पे सबमिट किए वो क्या क्या है, तो भाई हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी को 45% तक कम करेंगे 2030 तक 2005 के लेवल से। अब आपसे एक क्वेश्चन है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का 10 बार जवाब दे चुका हूं, एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, इंडिया की जीडीपी का एमिशंस इंटेंसिटी इसका क्या मतलब है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जो लोग लेक्चर्स मेरे रेगुलरली सुन रहे हैं उनको पता है। उसके बाद अगर देखो तो एक अपडेटेड टारगेट इंडिया का क्या है INDC के अंदर कि 2030 तक जितनी भी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी होगी इंडिया के अंदर 50% होगी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड। इंडिया एडिशनल कार्बन सिंक पैदा करेगा 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का। एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर आएगा 2030 तक। हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज फॉर कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन हम अडॉप्ट करेंगे और लाइफ मूवमेंट को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं पर्सनली। लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोग अनसस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रोकने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर इंडिया के अंदर 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, वैसे तो इंडिया के अंदर एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चल रहा है। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ओवरआर्चिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है और इसके अंदर छोटे छोटे प्लान हैं अलग अलग इलाकों में, जैसे सोलर एनर्जी में एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हैबिटेट, ये अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग फील्ड में टारगेट्स को अचीव करते हैं। 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने स्टेट एक्शन प्लान बनाए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कि कंसिस्टेंट है विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने अपनी एक LTLEDS बना रखी है, लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी UNFCCC को नवंबर 2022 में इंडिया ने सबमिट की थी। इंडिया बेसिकली यहां पे बोल रहा है कि हम लो कार्बन डेवलपमेंट में भरोसा रखते हैं, इंडिया की हाई एनर्जी नीड्स फॉर डेवलपमेंट को हम पूरा करेंगे थ्रू पॉवर्टी रेडिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ,
वगैरह वगैरह। देखा जाए तो इंडिया 2005 से लेकर 2016 के बीच में एमिशंस इंटेंसिटी को 24% तक कम कर चुका है। दिसंबर 2022 तक हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है 174.53 गीगावाट, जो कि है लगभग 42.53%, ज्यादा दूर नहीं हम 50% से। और इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ओवरऑल 2019 के कंपैरिजन में 2021 की जब रिपोर्ट आई, फॉरेस्ट एरिया बढ़ चुका था 2,261 स्क्वायर किलोमीटर से। तो ये हुआ भाई करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। अब यहाँ पे श्रीनाथ श्री देवन साहब सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाईकोर्ट के, और आदित्य शंकर जी भी हैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट है जिंदल ग्लोबल स्कूल के, ये बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और एडोलेसेंट इंडिया की। एक आइडियोलॉजिकल प्रोसेस इसका एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। आप एक एडल्ट को और एक बच्चे को अलग अलग प्रकार से एसेस करते हो। एक एडल्ट का मैच्योरिटी लेवल अलग होगा, एक बच्चे का मैच्योरिटी लेवल अलग होगा। एडल्ट मतलब आप कह लो 18 साल से उम्र, बच्चा आप कह लो 14 साल से कम। एक उम्र आती है एडोलेसेंस की 14 से 18। ये 14 से 18 का जो टाइम पीरियड होता है एक बच्चे का, उसमें माँ बाप हो गए या बाकी दुनिया हो गई, सोशल सर्किल हो गया, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चा बिल्कुल भी बच्चा ना रहे और ओवरऑल बिल्कुल भी मैच्योर में नहीं है वो स्टेज में, तो कहीं बीच में है। तो अगर एक लिमिट ज़्यादा शैतानी करता है तो आप उसको डांटते हो कि भाई अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़ों की तरह एक्ट करो। तो कुल मिला के इंडिया भी इस समय पे एडोलेसेंस की स्टेज से निकल रहा है, ठीक है ना। नेशन के कंटेक्स्ट में मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो भाई टॉकोविले के हिसाब से, ये आइडियोलॉजिकल थिंकर है, मैच्योरिटी ऑफ अ नेशन इज अ कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ दैट नेशन टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द फेस ऑफ सोशल फ्लक्स। जब एक देश के अंदर सोशल फ्लक्स आता है तो उस देश के लोग किस हद तक मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं सोशल फ्लक्स को, इसी को उस देश की मैच्योरिटी बोला जाता है। अब इंडिया की बात करो तो इंडिया की नेशनल पावर बहुत तेजी से बढ़ी है, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक पावर बहुत तेजी से बढ़ी है। जो इंडियंस पहले के ज़माने में रहते थे आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले, उस समय पे इंडिया इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था जितनी तेज़ी से इंडिया आज बढ़ रहा है। उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ उस समय पे अवेलेबल नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है। अब इस बीच में अगर हम फ्रीडम की बात करें, बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश फ्रीडम इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना भाई। भारत के संविधान ने साफ साफ बोला है कि इंडियंस के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट इट इज सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक कैच डाल दिया। वो कैच था सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो अगर ये पॉइंट वायलेट होता है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब सबसे खास बात दोस्तों ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक वेस्टर्न नोशन है, इसका इंडिया के अंदर उदय नहीं हुआ है। और अगर आपको सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है ये समझना है तो आपको वोल्टेयर और रूसू के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। बी आर अम्बेडकर साहब और उनके बाकी साथियों ने भले ही संविधान बनाया है और आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंसेप्ट का उदय इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। ये वेस्टर्न नोशन है, और वेस्टर्न नोशन में भी अगर आपको सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है ये समझना है तो आपको वोल्टेयर और रूसू की बातों को समझना पड़ेगा। अब वोल्टेयर क्या बोलते हैं? द फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम ऑफ लिबरलिज्म व्हिच वाज एक्सप्रेस्ड बाय वोल्टेयर व्हेन ही सेड आई होली डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से एंड वी डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। इंडिया के अंदर जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ लिमिटेशंस डाली जाती हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं बोल सकते। ऑथर यहां पे ये चीज पॉइंट आउट कर रहा है कि ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसी फ्रीडम है जिसमें आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वोल्टेयर ये बोलता है कि आपको जो बोलना है आप बोलो और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कुछ गलत बोल भी रहे हो तो सामने वाले के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए उसे काउंटर करने की, ना कि लड़ लड़के आप उसको ब्लॉक कराने लगो या ताकत दिखा के स्टेट की ब्लॉक कराने लगो। जैसे फॉर एग्जांपल मिडवल इंडिया में आदि शंकर या फिर सेंट थिरुगना संबंदार, ये लिबरल थे, बहुत कुछ बोला करते थे, लिखा करते थे सोशल ऑर्डर्स के अगेंस्ट, लेकिन कभी राजा के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखते थे, राजा की रॉयल पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखते थे। चूंकि उन जमानों में अगर राजा या राजा की रॉयल पॉलिसीज के अगेंस्ट लिखोगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है ना।
तो राजा के अगेंस्ट ना मतलब तुम गए काम से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टेट डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर एड्रेस हो रही हैं, आप अपने मन मुताबिक कुछ भी बोल नहीं सकते, तो ये गड़बड़ है। बर्ट्रेंड रसेल का मास्टरपीस क्या बोलता है वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर, ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ फ्री थॉट टू इट्स कल्मिनेशन वेयर अ मेंस राइट टू थिंक फ्रीली सुपरसीड्स हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑबीडियंस टू द स्टेट। मतलब आप अपने राजा के प्रति जो ड्यूटी कर रहे हो, अपनी सरकार के प्रति जो ड्यूटी कर रहे हो, उस ड्यूटी से ज्यादा बढ़ के आपके लिए आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब आपको जो बोलना है वो आप बोलोगे, आप ये सोच के नहीं रुकोगे कि आपका राजा या आपका सरकार क्या सोचेगी। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो दोस्तों, तो इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट नहीं करता। अभी इस कंसेप्ट के हिसाब से तो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता टेक्निकली बात की जाए, जो कि वॉल्टर रूसू, बर्टांड रसल, इनके जो आइडियाज हैं वो बहुत ज़्यादा रिबलर हैं, हद से ज़्यादा रिबलर हैं। मतलब आप कुछ भी बोलो, अब इंडिया के अंदर इतने धर्म, इतने कास्ट, इतनी सोशल डिस्टिंक्शन है ना, कि अगर आपने लोगों को खुला छोड़ दिया कुछ भी बोलो, तो कल की डेट में दंगे बवाल कुछ रुकने वाला ही नहीं है। कल की डेट में कुछ लोग रेप को जस्टिफाई करने लगेंगे, कल की डेट में कुछ लोग धर्म गुरु या धर्म के भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, दंगे फैल जाएंगे। तो इंडिया जैसी हाईली डाइवर्स कंट्री में इस प्रकार के बहुत ज्यादा लिबरलाइज्ड आइडियाज नहीं चल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसा लगे, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। अब इंडिया की प्रोग्रेस और रेवोल्यूशन के ऊपर ऑथर बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि जो पहले 50 साल थे हमारी फ्रीडम के 1947 के बाद, वो ओवरऑल फ्रीडम ऑफ स्पीच को ओवरऑल जस्टिफाई करने में निकल गए। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट में बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस आए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में एक्सरसाइज करना है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने यहाँ पे डिसीजंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ना भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस हद तक आप नहीं बोल सकते कि आप धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में लड़ाई कराने शुरू कर दो, ठीक है ना, आप रेप को जस्टिफाई करना शुरू कर दो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस डाले। फिर 1990s और 2000s की इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई। पिछला जो डिकेड है यहाँ पे 2010 से लेकर 2020 तक का, यहाँ पे आप कह सकते हो कि भारत इन्फेंसी से एडोलोसेंस में एंट्री मार रहा है। मतलब एक युवक की या एक युवती की लाइफ में जो 14 से 18 साल का जो पीरियड होता है, इसको आप एडोलोसेंस बोलते हो। तो इंडिया कहीं ना कहीं उस एडोलोसेंस में एंटर कर रहा है। अब इस एडोलोसेंस में बहुत सारे व्यू पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक व्यू पॉइंट तो ये है कि भाई हमारे पास ओवरऑल एक अनहिंडर्ड राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक करता है, मॉब पावर के थ्रू, डेफेमेशन के थ्रू, सोशल मीडिया ब्लैकआउट्स के थ्रू, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों में, कॉमन्स प्रोटेस्ट, लॉ सूट फाइल कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, मानहानि का दावा ठोक दिया जाता है, डेफेमेशन वही बोल देता है। तो इस हिसाब से देखो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच कब खतरे में आएगी? जब सरकार किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक कर रहा है। और हॉरिजॉन्टली कब खतरे में आएगी? जब उसके साथ के नागरिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को लेकर क्वेश्चन करूं तो मेरे को सरकार रोके तो वर्टिकल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और अगर मेरे साथ के लोग ही मुझे रोकने लगे तो हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और दोनों ही प्रकार के रिस्ट्रिक्शन आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी अनपॉपुलर स्पीचेस लोगों के साथ दी जाती हैं। अब देखिए, ओवरऑल मुस्लिम्स के अगेंस्ट उत्तराखंड में हुए एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ उल्टा बोला गया। अब क्या इस प्रकार की स्पीचें अलाउ की जा सकती है? नहीं अलाउ की जा सकती है भाई, बवाल मचेगा सोसाइटी के अंदर। उसी प्रकार से अगर मुस्लिम धर्म का कोई धर्म गुरु हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ बोलता है, कभी कभी आप देखते हो बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रिस्पेक्ट में ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, दंगे भड़काने के लिए, और भड़क जाते हैं नंगे। तो ये सब चीज़ें हमें रोकने की जरूरत है इंडिया के अंदर। तो हम बिल्कुल ही अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ले आए फ्रीडम ऑफ स्पीच का, वो देखिए इंडिया के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। बट ऑथर कहीं ना कहीं उसी को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यही बताया गया इस आर्टिकल में। आगे आ जाते हैं जम्मू विलेज डिफेंस एंड गवर्नेंस। कर्नल शशांक रंजन साहब, जो कि इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं एज एन इन्फेंट्री ऑफिसर, ये बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। क्या बात कर रहे हैं? ये बेसिकली विलेज डिफेंस गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप देखो तो टेरर रिलेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं पीसफुल जम्मू डिवीजन में, खासकर रजौरी और पूंछ के डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे जो मिलिट्री रिलेटेड इंडाइसेस हैं वो काफ़ी कम है, ज़्यादा इंसर्जेंसी यहाँ पे देखिए है नहीं। कश्मीर में जितनी इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है, जम्मू के इलाकों में उतनी इंसर्जेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। जम्मू के इलाके कम्युनिटीज़ के बीच में पीसफुल एग्जिस्टेंस भी है, हिंदूज और मुस्लिम्स का प्रोपोर्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। उसके बावजूद यहाँ पे टेरर अटैक हुए, और वन ऑफ द ग्रेवेस्ट अटैक हुआ डांगरी विलेज में, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, इस साल की शुरुआत में, ठीक है ना। और जनवरी में साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के हिसाब से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी हुए हैं।
ओवरऑल गन शॉट्स फायर किए गए लोकल एमएलए के घर के बाहर, हाइडआउट्स का न्यूट्रलाइजेशन किया इंडियन आर्मी ने, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया राजौरी और पूंछ में। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि भाई लोगों को अपने आप को सेफ गार्ड करने का एक मैकेनिज्म तो आपको देना ही पड़ेगा, और इसलिए सरकार ने रिवाइव किया विलेज डिफेंस कमिटीज अलग अलग क्वार्टर से। इसको नाम क्या दिया गया, VDG विलेज डिफेंस गार्ड्स, अगस्त 2022 में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं, और इन VDGs को लीड करेगा डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन DGs को आर्म करे, उनको ओवरऑल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करे, और जरूरत पड़ने पे उनको बैकअप प्रोवाइड करे। अब खास बात दोस्तों ये है कि पहले के समय में विलेज डिफेंस कमिटीज उन जगहों पे बनाई गई थी जहां पे डिफिकल्ट टेरेन था और सिक्योरिटी फोर्सेस जहां पे बड़े क्वांटम में मौजूद नहीं थी। तो जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं आ जाती तब तक आम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकें, इसलिए विलेज डिफेंस कमेटी बनाई गई थी। पर बहुत सारे केसेस में विलेज डिफेंस कमेटी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई, क्योंकि आर्म फोर्सेज वहां पे ज्यादा थी नहीं, कुछ लोगों के पास अथॉरिटी आ गई, गोला बारूद आ गया, ट्रेनिंग आ गई, वो ताकतवर हो गए, वो अपनी ताकत के बिहाफ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे, हफ्ता वसूली करने लगे, करप्शन शुरू हो गया यहां पे। तो नो डाउट विलेज डिफेंस कमेटी का एक नेगेटिव आउटपुट था, लेकिन इन टेरर अटैक्स के बाद एक पॉजिटिव आउटपुट ओवरऑल सिनारियो में डोमिनेट कर रहा है कि भाई लोग तैयार होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टेरर अटैक के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ परेशानी है। ऑथर बोल रहा है बहुत अच्छी बात है आप विलेज डिफेंस गार्ड्स को एक्टिवेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच रखना सही नहीं है। सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लीड करने की, किसको, विलेज डिफेंस गार्ड को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। देखिए लोकल लेवल डेमोक्रेसी को जम्मू एंड कश्मीर में इनकरेज करने के लिए लोकल बॉडीज को बढ़ावा दिया गया, समय समय पे यहाँ पे इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को 2020 में अमेंड भी किया गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे बनाया गया, तीन गवर्नेंस, थ्री टायर लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे भी यहाँ पे लोकल लेवल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अब एक ऐसे समय पे जब जम्मू में भी सिक्योरिटी सिचुएशन और सोशियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, तो ओवरऑल विलेज डिफेंस गार्ड्स की लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देना सही नहीं है, लोकल बॉडीज को एम्पावर करो। ये लोकल बॉडीज VDG के साथ कोऑर्डिनेट करें और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ओवरऑल क्राइसिस मैनेजमेंट करें, यह ज्यादा बेटर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आप VDGs की ओनरशिप या आप कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के हाथ में दे दो। क्योंकि देखिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है, उसमें से VDG जैसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन की कमान भी उसके हाथ में दे देना उसका बर्डन को भी बढ़ाता है, प्लस लोकल इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को कम करता है। लोकल लेवल पे रहने वाली आबादी अपनी सिक्योरिटी के मैटर्स को प्रॉपर तरीके से समझती है, किस प्रकार से उन सिक्योरिटीज को मैटर्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा उसको सही तरीके से समझती है, ओवरऑल VDGs की वर्किंग्स को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकती है वगैरह वगैरह, सही समय पे डिटेरेंस प्रोवाइड कर सकती है, ग्राउंड लेवल पे जो VDGs के मेंबर्स है वो एक लिमिट से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो जाए, अकाउंटेबल रहे, इस बात को लोकल पंचायत से इंश्योर किया जा सकता है। और ये सब जरूरी भी है क्योंकि जम्मू के इलाके में आप VDG बना रहे हो और जम्मू के इलाके में मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है नहीं, कभी कभार अटैक होते हैं उनके लिए आप VDGs बना रहे हो। अब उस केस में VDG मिलिटेंट से ना लड़के ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे दबदबा और गुंडागर्दी शुरू कर दे, इस चीज को रोकने के लिए लोकल लेवल एम्पावरमेंट, ग्रास रूट लेवल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के चलना VDGs को, ये एक बड़ा ही अच्छा आइडिया है। दिस विल बी बेसिकली अ गांधीयन वे ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है भाई, तो ये एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आ जाते हैं पावर प्ले अहेड ऑफ पोल्स। अब भैया कर्नाटका में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस दोनों यहां पे प्रॉमिसेस कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि कर्नाटका के स्टेट एनर्जी मिनिस्टर वी सुनील कुमार साहब ने दिसंबर 2022 में अनाउंस किया कि जनवरी 2023 से बिजली की कीमतें 70 पैसे से 2 रुपए प्रति यूनिट तक हम कम कर देंगे। अब जैसे बीजेपी की तरफ से अनाउंसमेंट आया, कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी, कांग्रेस ने बोला कि अगर तुमने हमको जिता दिया तो हम तुमको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये कुछ कुछ हद तक आम आदमी पार्टी के जैसा जो पॉलिसी है वैसी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे अनाउंसमेंट कर रही है। कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन क्या कह रही है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टैरिफ्स रिवाइज करने हैं तो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का अप्रूवल लगेगा यहां पे। अब देखिए जब कर्नाटका के मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि हम बिजली की कीमतें कम करेंगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठा कि कौन से चार्जेस को कम किया जाएगा। बाद में पता चला कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को कम करके ओवरऑल बिजली के टैरिफ्स को कम किया जाएगा। अब जब कांग्रेस ने यह बोला कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, तो बीजेपी की सरकार के मिनिस्टर्स ये बोलने लगे कि कांग्रेस
फिर से आप कह लो यू नो फ्री भी पॉलिटिक्स कर रही है। ओवरऑल किस हद तक आप फ्री में दे सकते हो बिजली, जब ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हालात यू नो बिगड़े हुए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जिसको आप एस्कॉम बोलते हो, एस्कॉम की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्नाटका के लोगों को फ्री बिजली नहीं, ओवरऑल क्वालिटी वाली बिजली चाहिए एक ऑप्टिमम रेट पे, जो कि हम यहां पे दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने बोला भी था कि भैया फर्स्ट स्लैब ऑफ कंज्यूमर्स जो ओवरऑल सबसे कम बिजली कंज्यूम करते हैं, इनकी एनर्जी चार्जेस पर यूनिट कम किए जा सकते हैं। ओवरऑल जो कम बिजली यूज कर रहा है, सस्टेनेबल तरीके से बिजली का कंजम्पशन कर रहा है, उसको ओवरऑल कम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ चार्ज करके इनकरेज किया जा सकता है सस्टेनेबल तरीके से रहने के लिए। तो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। क्या पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? बीजेपी ने ओवरऑल अपने सॉप्स दिए कि हाँ भाई ठीक है, हम 70 पैसे से 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली के चार्जेस कम कर देंगे। कांग्रेस ने बोला कि हम 200 यूनिट यहाँ पे फ्री में आपको देंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई, तुम ऐसा कैसा करोगे। अब कर्नाटका पिछले कई सालों में पावर डिमांड और सप्लाई के बीच में स्ट्रगल कर रहा था, डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी, लेकिन आज की डेट में कर्नाटका एक पावर सरप्लस स्टेट उठ के उभरा है। बहुत सारे रेन्यूएबल सेक्टर में विंड और सोलर पावर प्लांट्स भी यहाँ पे लगाए गए, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो कर्नाटका में पावर आउटेजेस होते हैं। जब भी पानी बरसने लगता है बिजली काट दी जाती है। पैंडेमिक के समय पे बहुत सारे तादाद में लाखों के समय पे क्वांटिटी में एम्प्लॉयज घर पे थे, बिजली चली जाती थी, उनका काम इफेक्ट होता था। तो भले ही इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कर्नाटका में ठीक ठाक है, बट ओवरऑल उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कैपेसिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के चलते थोड़ी ओवरऑल आप कह लो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में। फिर भाई पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लगातार बिजली की कीमतों को कर्नाटका के अंदर बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारे सिटीजन्स और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं कि रेगुलरली आप पावर टैरिफ को बढ़ाते रहते हो। तो रेगुलरली आप पावर टैरिफ को बढ़ाते रहते हो और रिसेंटली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को कम करके आपने बिजली के दाम थोड़े कम कर भी दिए, तो उससे फर्क क्या पड़ा? ओवरऑल बिजली के रेट तो वही थे ना जो पहले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल अभी की जो रूलिंग सरकार है उसको इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को कम करके थोड़ा ही बिजली के दाम कम कर दे रहे हैं, पर पिछले कई सालों से बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक इलेक्शन गिमिक है, चूंकि इस साल इलेक्शन आने वाला है इसलिए बिजली के दाम कम किए जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में फिर से बिजली के दाम बढ़ा देंगे। कांग्रेस ने ओपन यहाँ पे ऑफर दे दिया कि तुमको हम फ्री में 200 यूनिट बिजली देंगे। बीजेपी क्वेश्चन कर रही है कि तुम कैसे दोगे। तो इस प्रकार की बहुत सी पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे पावर सेक्टर में टॉल प्रोमिसेस कर देती हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्रोमिसेस ग्राउंड लेवल पे जब इंप्लीमेंट होंगे तो किस हद तक स्टेट एक्सचेकर के ऊपर प्रेशर डालेंगे, इस बात को कोई भी डिस्कस नहीं करता, जो कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अपना इलेक्शन जीतना मैटर करता है। तो एक बड़ा सेक्शन है कर्नाटका के अंदर पढ़े लिखे लोगों का जो ये डिपेंड कर रहा है कि कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और राज्य का जो एक्सचेकर है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि अगर आप पावर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो या कम दाम पे प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको सस्टेनेबल कैसे रखोगे। क्योंकि कम दाम पे आप पावर प्रोवाइड कर रहे हो और उसका पैसा आप कंपनसेट करो टैक्स पेयर के मनी से, तो वो भी एक अप्रोच नहीं है। कोई भी सरकारी पॉलिसी सस्टेनेबल तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए। और रिसेंटली अगर आप देखो तो कर्नाटका के अंदर गुरुचरण कमेटी बनाई गई थी। इस पर्टिकुलर कमेटी ने बोला था कि राज्य के पावर सेक्टर को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, सेकंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट की थी। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यह भी बनाया था कि जो हाई टेंशन बड़े कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी के दामों के चलते दूसरे स्टेटों में अपने काम को शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी हाई पावर परचेस कॉस्ट बढ़ रही है, ऑपरेशंस इनिफिशियंसी, फ्री पावर सप्लाई, अनमीटेड अनबिल्ड एनर्जी और इनइक्विटेबल टैरिफ के चलते जो बड़े पावर कंज्यूमर्स हैं उनसे बिजली का बिल ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के कुछ इश्यूज भी उठाए गए थे गुरुचरण कमेटी के अंदर। तो एंड में ओवरऑल इस आर्टिकल का मतलब यही है कि पावर पॉलिटिक्स हो रही है और इस पावर पॉलिटिक्स में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी की बजाय पार्टियां का इलेक्शन जीतने पे ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट, पंक्चरिंग टाइस। भैया चाइनीज सर्विलेंस बैलून को यूएस मिलिट्री ने उड़ा दिया जब वो अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचा। जब वो जमीन के ऊपर था तब नहीं उड़ाया था, ऑब्वियसली बात है सर्विलेंस गियर नीचे गिरता, किसी इंसान के या घर के ऊपर गिर सकता था, कुछ नुकसान हो सकता जान माल का। जैसे वो अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचा उसको वहां पे गिरा दिया गया। अब ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस ने शुरू कर दिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन चाइना जाने वाले थे 6 फरवरी से, इस पर्टिकुलर सर्विलेंस बैलून के चलते उनकी जो विजिट है वो यहाँ पे कैंसिल हो गई। 2018 के बाद कोई टॉप यूएस डिप्लोमेट चाइना जा रहा था, शायद यहाँ पे चांसेस थे कि यूएस चाइना के रिश्ते थोड़े सुधरते, लेकिन इस स्पाई बैलून की कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर चीजें बिगड़ गई। ठीक है ना,
बीजिंग ने बोला कि भाई ये पर्टिकुलर बैलून सिविलियन बैलून है, मीटरोलॉजिकल वेदर आप कह लो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, ये जो शूट डाउन किया है ओवरऑल यूएस ने, ये एक प्रोवोकेशन है, ये एक ओवर रिएक्शन है। यूएस ने बोला है कि ये एक सर्वेलेंस बैलून है। अब देखिए लोगों ने इस बैलून को यहाँ पे स्पॉट कर लिया, अगर लोग यहाँ पे स्पॉट नहीं करते तो यूएस एक बार को इस बैलून को निकल जाने देता, ठीक है ना। इस प्रकार का बैलून ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे भी यूएस के ऊपर से गुजरा था, इस प्रकार का बैलून जापान के ऊपर से भी गुजरा था 2021 में, इस प्रकार का बैलून इंडिया के अंडमान आइलैंड्स के ऊपर से भी गुजरा था पिछले साल, लेकिन पहले के इंस्टेंसेज में बैलून को शूट डाउन नहीं किया गया। इस बार अमेरिका ने बैलून को अटलांटिक के ऊपर शूट डाउन कर दिया। अब चूंकि यूएस शूट डाउन कर चुका है तो कल की डेट में हो सकता है जापान और इंडिया के ऊपर अगर बैलून फिर से गुजरता है तो हो सकता है इंडिया और जापान भी उसको शूट डाउन कर दे। तो इस प्रकार के इंट्रूशंस को आगे आने वाले समय में कंट्री किस प्रकार से कंसीडर करेंगी, क्या बीजिंग इस प्रकार के प्रोवोकेटिव टूल फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग को अवॉइड करेगा, ये सब तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यूएस चाइना रिलेशंस में ये एक बहुत ड्रॉडाउन है, रीजन बीइंग कि बड़ी मुश्किल से यूएस चाइना के रिश्ते हो सकता है ट्रैक में आते अगर एंटोनी ब्लिंकन की विजिट होती चाइना में, बट ओवरऑल इस स्पाई बैलून के चलते वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। फिर भाई एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस दिया था एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को 2018 में, पैसिव यूथनेजा को अलाउ किया था लेकिन कुछ स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड लगा दिए गए थे, ठीक है ना। लेकिन वो स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड उस समय पे तो अच्छे लग रहे थे, जब ग्राउंड लेवल पे उनको इंप्लीमेंट किया गया तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स हैं। तो इसीलिए रिसेंट ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं ओवरऑल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के रिस्पेक्ट में। तो पहले किसी एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को जुडिशियल मजिस्ट्रेट से काउंटर साइन करवाना पड़ता था, अब जरूरत नहीं, एक नोटरी अगेस्टेड ऑफिसर ओवरऑल उसको अटेस्ट कर सकता है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव समझ सकते हो ना, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक खतरनाक बीमारी है, वो जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है ना, टर्मिनल इनलेस है, तो उस केस में वो आगे आने वाले समय में उसके ऊपर क्या मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके बारे में लिख सकता है और वो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहा जाता है। इस मेडिकल एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के अंदर पहले गाइडलाइन 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ये दी गई थी कि जो एग्जीक्यूटर है, जो बीमार है, वो यहां पे गार्जियन या क्लोज रिलेटिव को ऑथराइज करेगा कि आगे आने वाले समय में जब वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने की स्पीड में ना हो, स्थिति में ना हो, तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट को रिफ्यूज करना है या विड्रॉ करना है या कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन लेने की ताकत होगी गार्जियन या क्लोज रिलेटिव के पास, अगर वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो। अब पहले एक गार्जियन नॉमिनेट किया गया था, रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो चेंजेस किए उसमें एक से ज्यादा गार्जियन को यहां पर नॉमिनेट किया जा सकता है उसके बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। फिर पहले मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी फैमिली मेंबर्स को बताना एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के बारे में, अब जो एग्जीक्यूटिव है जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव साइन कर रहा है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने ओवरऑल जो भी आपके साथ के फैमिली मेंबर्स हैं उनको इस एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के बारे में बता सकते हैं। इस एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स में भी जोड़ा जा सकता है। नई गाइडलाइंस में हॉस्पिटल एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा और प्राइमरी मेडिकल बोर्ड इस बात के ऊपर डिसीजन लेगा कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, रिफ्यूजल या विड्रॉल करना है, ट्रीटमेंट करने की नहीं करना है। इसके साथ साथ देखो तो हॉस्पिटल एक सेकेंडरी बोर्ड भी बनाएगा जिसमें डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक डॉक्टर इंक्लूड किया जाएगा और वो डॉक्टर प्राइमरी बोर्ड के रिकमेंडेशन को अप्रूवल देगा कि हाँ भाई ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसमें ये बताया गया था कि जो सेकेंडरी बोर्ड बनेगा इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होगा, लेकिन अब जो सेकेंडरी बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा नॉमिनेटेड डॉक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होगा। और वैसे भी इस प्रकार के मेडिकल बोर्ड्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या ही करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत से काम होते हैं, अब वो मेडिकल बोर्ड्स में एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को प्रोड्यूस करता फिरे, इतना समय ही नहीं उसके पास। और ये प्राइमरी बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड उन केसेस में भी डिसीजंस लेंगे जहां पे कोई एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव साइन नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव और यूथेनेसिया के रिस्पेक्ट में चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश की गई है यहां पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थैंक यू फॉर